So I choke you down just like a pill. हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू जस्टिस लीग इश्यू नंबर 5। और इस वीडियो का टारगेट भी वही है, 500 लाइक्स या फिर 10% व्यूज। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सोर्स वॉल के जायंट्स मार्शियन के साथ लड़ रहे हैं और सुपरमैन उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। सुपरमैन की बॉडी के अंदर म्यूटेजेंस बैटमैन को खा जाते हैं, जबकि सिनिस्ट्रो जॉन स्टीवर्ट की ग्रीन लैंटर्न रिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे जॉन अल्ट्रा वायलेट कॉर्प्स में कन्वर्ट होने लगता है। उधर ग्रोड जस्टिस लीग को आपस में ही लड़वा देता है। तब फ्लैश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में वो स्टील फोर्स को पूरी तरीके से आजाद कर देता है। अब तक जोकर और लेक्स लूथर सुपरमैन और मार्शियन की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, और सिनिस्ट्रो अर्थ के सारे लोगों के ऊपर। उन्हें कोई वार्निंग नहीं दी जाती। स्केयरक्रो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जानता है कि ये वर्ल्ड बदल चुका है, लेकिन किस तरीके से वो समझ नहीं पा रहा है। और वो अकेला नहीं है जो ये बात जानता है। कैंडक शहर के ऊपर ब्लैक एडम भी इस बात को महसूस कर पा रहा है, जबकि हेल और एपोकलिप्स में भी ये सारी चीजें महसूस होती हैं, क्योंकि इस टाइम पे लेक्स लूथर सुपरमैन की बॉडी के ऊपर हावी हो चुका है और लेक्स वो सब कुछ हासिल करने वाला है जिसके उसने सपने देखे थे। वो यूनिवर्स को अपने सामने घुटने टिकाते हुए महसूस कर पा रहा है। इधर लेजेंड ऑफ डूम का फोर्ट्रेस जिन पिघलती हुई चट्टानों के अंदर मौजूद है, वहां से कोई भी लाइट अंदर नहीं जाती। ये ऐसे मटेरियल से बनाया गया है कि एक आम इंसान इसे देख नहीं पाएगा, उसे सिर्फ जलती हुई चट्टानें दिखाई देंगी। ये होल इसे एक नई गवर्नमेंट के लिए बनाया गया था, लेकिन लूथर ने उन सबको जला दिया। यहाँ ऐसी बंदूकें रखी हुई हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन सबसे खतरनाक आइटम लेक्स लूथर के प्राइवेट क्वार्टर के अंदर रखा हुआ है, जो कि इस यूनिवर्स के सबसे भारी चीज हो सकता है। लेकिन अभी वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो चीज लेक्स लूथर के हाथों में है, वो डोर नॉब। कुछ टाइम पहले द सोर्स वॉल, जहाँ पे ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स सोर्स वॉल के जायंट्स के साथ लड़ रहे होते हैं, तभी सिनिस्ट्रो को एक मैसेज मिलता है जो कि सिनिस्ट्रो कॉर्प्स की लीडर सोरानिक नाटुका है। वो बोलती है कि गार्डियंस ने हमसे मदद मांगी है, अगर सोर्स वॉल के उस तरफ की चीज यहाँ पे आ जाती है तो इस यूनिवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए हमें अपने लड़ाई झगड़े को छोड़कर ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स की मदद करनी चाहिए। तब सिनिस्ट्रो कुछ सोचने लगता है और पीछे से उसे कोई आवाज लगाता है। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तभी एकदम से सिनिस्ट्रो पीछे मुड़कर उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है और देखता है कि वहाँ पे लेक्स लूथर आ चुका है। सिनिस्ट्रो पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो। लेक्स लूथर बोलता है क्वांटम फोल्डिंग की मदद से, जिससे आदमी यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने में सिर्फ एक कदम उठाकर पहुंच सकता है। मेरा एक साइंटिस्ट इस चीज के ऊपर काम किया करता था, लेकिन जब उसने कहा कि इस काम में तो हजारों साल लग जाएंगे, तो मैंने उसे काम से निकालकर उसे मार दिया। हालांकि वो सही कह रहा था, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि तुम एक छोटे रास्ते के बारे में सोच रहे होगे कि तुम ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के साथ टीम बनाकर यूनिवर्स को फिर से ठीक करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम वो नहीं करना चाह रहे जो करना जरूरी है। मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। गार्डियंस ने तुम्हें इस यूनिवर्स से निकालकर एंटी मैटर यूनिवर्स में फेंक दिया था। तुमने एक ऐसा हथियार बनाया जो इस पूरे यूनिवर्स को हिलाकर रख सकता है। सिनिस्ट्रो बोलता है कि काम की बात कर, ज्यादा कुछ बकवास मत कर। लेक्स बोलता है कि मैं तुम्हें वो सब प्रॉमिस कर सकता हूँ जो तुम चाहते थे। तुम्हारे पास इतनी पावर आ सकती है और तुम्हें इसके बदले में कुछ भी गंवाना नहीं पड़ेगा। सिनिस्ट्रो बोलता है कि मुझे हमेशा वो मिला है जिसकी मुझे जरूरत थी। तो लेक्स कहता है कि ये तुम्हारी जरूरत की बात नहीं है, ये तुम्हारे चाहने की बात है। मैं जानता हूँ कि ओन्स तुमसे कौन सा सीक्रेट छुपा कर रखे हुए हैं। मैंने इस यूनिवर्स की सीक्रेट हिस्ट्री पूरी निकाल ली है, उसकी चाबी मेरी पॉकेट में है। मैं एक ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे ज्वाइन कर लो और मैं तुम्हें इनविजिबल स्पेक्ट्रम और भी बहुत कुछ दूंगा। तो सिनिस्ट्रो मान जाता है। तो लूथर ने उसे एक टूटी फूटी कहानी बताई जिसकी शुरुआत मेट्रोपोलिस में हुई थी, जहाँ वर्ल्ड के सबसे स्मार्ट आदमी को ये बताया गया था कि वो गलत था। कुछ दिन पहले उसने इस अर्थ को बचाया था, लेकिन फिर उसे पता चला कि इस यूनिवर्स की सबसे ज्यादा डोमिनेंट एनर्जी है एंट्रोपी, और अब तक वो जो कुछ हीरोगिरी का काम कर रहा था वो सब मीनिंगलेस था।
उसने अपने खुद के मदर बॉक्स को खोल दिया ताकि वो इसके अंदर का फ्यूल निकाल सके, ताकि कोई उसे फिर से बेवकूफ ना बना सके। वो स्पेस टाइम के हर कानून को तोड़ना चाहता था, तो उसने टाइम ट्रेवल की एक मशीन बनाई और टाइम में आगे गया। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो टाइम में कितना आगे जाएगा। और जब वो टाइम के अंत तक पहुंचा 1 मिलियन साल बाद, तब वहां पे कोई भगवान नहीं था, सिर्फ और सिर्फ लूथर था। तो गाइस, इस कहानी के अंदर लेक्स लूथर 1 मिलियन साल आगे पहुंच जाता है। तभी कुछ लोग उसके पास आकर बोलते हैं, तो ये तुम हो, तुम लेक्स लूथर हो? लेक्स पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो वो लोग बोलते हैं, टैक्यून पार्टिकल्स यहाँ पे कई हफ्तों से इकट्ठा हो रहे थे और हमें पता लग चुका था कि 21वीं शताब्दी से कोई आने वाला है। भला और कौन ही आता? लेक्स पूछता है कि ये कौन सी जगह है। वो लोग बोलते हैं, ये लेक्सर शहर है, ये हमारा घर है। लेक्स बोलता है, नहीं, ये तो एक सपना है, आखिर ये सब कैसे हो सकता है? तो वो लोग कहते हैं कि सोसाइटी समझदार बन गई थी, लोग चाहते थे कि वो अच्छा बने, उनके पास भी पावर्स आ जाएं, लेकिन किसी वजह से वो ये सब हासिल नहीं कर पा रहे थे। तब किसी को लेक्स लूथर की एक रिसर्च मिली, उसने इस रिसर्च को पूरे वर्ल्ड में फैला दिया और तब से लोगों ने सुपर हीरोज के पीछे भागना बंद कर दिया और फिर लेक्स लूथर के नाम पे इस यूनिवर्स को जीत लिया। हमने तुम्हें द ग्रेट ट्रेजेडी बुलाया क्योंकि तुम्हें सच्चाई तो पता थी, लेकिन ये नहीं पता था कि उस चाबी को कैसे खोलना है। लेक्स पूछता है, क्या पता था? मुझे क्या नहीं पता था? तो वो आदमी बोलता है, माफ करना, अगर हम तुम्हें ये सब बता देंगे तो तुम जाकर हिस्ट्री को चेंज कर दोगे, बस हम तुम्हें ये सिंबल दिखा सकते हैं। तो वो लोग लेक्स लूथर को अपने हाथों की एक अंगूठी दिखाते हैं और बोलते हैं कि हमने इसका नाम दिया था द डूम। तो गाइस, ये बात सुनकर लेक्स लूथर फिर से अपने टाइमलाइन में वापस आ जाता है। इसके बाद लेक्स ग्रूड को इस कहानी के बारे में बताता है। वो कहता है कि अगली सुबह मैं अपने लैब में जागा और अपने दिमाग से फ्यूचर की उन सारी टेक्नोलॉजीज को बनाने की कोशिश की। तो ग्रूड बोलता है कि तुम टाइम के आखिर में गए सिर्फ ये जानने के लिए कि तुम एक बेवकूफ और एक फेलियर थे। ये तो मैं तुम्हें यही बता देता अगर तुम्हारे पास साइकिक ब्लॉकर्स नहीं होते, तो तुम अपना गला खुद ही फाड़ रहे होते। लेक्स बोलता है कि तुम बात को समझने की कोशिश करो, हमें और मेहनत करनी होगी, तुम इस पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल कर सकते हो। ग्रूड बोलता है कि मैं पहले ही पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल कर चुका हूँ, क्योंकि इस टाइम पे ग्रूड यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में होता है और वहाँ पे जो कुछ लोग आए हुए थे उनको उन्हीं से लड़वा रहा होता है। ग्रूड बोलता है कि तुम्हारे लोग मेरे सामने घुटने टिका रहे हैं, मैं किसी के सामने घुटने नहीं टिकाऊंगा। जिसपे लेक्स कहता है कि ये तो बस छोटे मोटे राजदूत हैं, लेकिन तुम्हारा ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो ग्रूड लेक्स की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बहुत गेम खेल लिए, मैं तुम्हें भी इन लोगों के बीच में फेंक देता हूँ। तो लेक्स बोलता है कि मेरी बात समझने की कोशिश करो, हम सब गलत थे, हम सब बहुत लंबे टाइम से गलत करते आ रहे हैं, तुमने मेरी कहानी पूरी नहीं सुनी। मैं जानता हूँ कि स्पीड फोर्स को कैसे रोकना है और हमें ये सब करने के लिए यूनिवर्स के आखिर में जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे ये सब कर सकते हैं। तो ये सुनकर ग्रूड सिनिस्टर की तरह लेक्स की बात मानने के लिए राजी हो जाता है। फ्यूचर के लोग कह रहे थे कि लूथर ने कुछ ऐसा मिस कर दिया जो कि ठीक उसके नाक के नीचे था, लेकिन लूथर को सिर्फ एक ही चीज अजीब दिखाई दे रही थी, उसके फादर के पुराने लजायनर क्लब का इनविटेशन। उसने मौका देखा और थोड़ा सा शांत होने की सोची, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उस क्लब के अंदर लूथर को एक दरवाजा मिलेगा जिसे और कोई भी नहीं देख पा रहा था। उस बिल्डिंग के नीचे सदियों पुराना एक चैम्बर था, वहाँ पे जो कागजात थे उसमें यूनिवर्स की एक अलग हिस्ट्री लिखी हुई थी जिसमें एक महान पावर की टोटेलिटी के आने के बारे में बात बताई गई थी। फिर उसने कुछ टाइम के लिए अपने फादर के बारे में सोचा, उसने सोचा कि क्या उसका फादर ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जानता था जो खुद उसे भी नहीं पता थे। और तभी लेक्स को वो सिंबल दिखाई दिया, वही सिंबल जो उसे टाइम के अंत में दिखाई दिया था। फिर उसे समझ में आया कि वो क्या चीज मिस कर रहा था, उसे डूम का रास्ता दिखाई दिया। वो नहीं जानता था कि जिस डोर नॉब को वो एक बेजान चीज की तरह अपने साथ लेकर घूम रहा था उसके अंदर 100 एटम बॉम्ब से भी ज्यादा पावर थी। इसका यूज करके वो यूनिवर्स के छुपी हुई एनर्जी को खोल सकता था, वो यूनिवर्सल पावर की टोटेलिटी को हासिल कर सकता था। तो उसने सबसे पहले इनविजिबल स्पेक्ट्रम को आजाद किया और इस यूनिवर्स के जीवों को दिखाया कि वो असल में क्या थे। लूथर चाहता था कि कोई इस इनविजिबल स्पेक्ट्रम की पावर का यूज करे
जो इसका यूज करके एक आर्मी बना सके और जस्टिस लीग को घुटनों पे ला सके, और ये था सिनिस्ट्रो। उसके बाद लूथर टर्टल को ढूंढता है और इसका यूज करके स्टील फोर्स की पावर्स को आजाद कराता है, लेकिन उसके लिए भी लूथर को किसी ऐसे की जरूरत थी जो स्टील फोर्स की पावर्स का यूज कर सके। तो गाइस, लेजेंड ऑफ डूम की टीम के अंदर के 7 लोग इस यूनिवर्स के साथ एंशिएंट एनर्जीज का यूज करने के लिए काफी हैं, और जब लेक्स लूथर उस डोर नोब की पावर को अपने हाथों में ले लेता है तो टाइम के अंत तक भी आवाज जाती है, उस लेक्चर शहर तक भी आवाज पहुंच जाती है। तब एक रोशनी की दीवार फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो लोग जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि लूथर ने अपने टाइम में डूम को अनलॉक करने का रास्ता ढूंढ लिया है, और इसलिए मरते टाइम भी वो लोग खुश हो रहे हैं। प्रेजेंट में लूथर सुपरमैन की बॉडी के अंदर है। वो अच्छी तरीके से समझता है कि उसे क्या करना है। वो इस यूनिवर्स को सच्चाई दिखाना चाहता है ताकि वो सब लोग सही रास्ता चुन सकें, ताकि वो सब लोग डूम का रास्ता चुन सकें।